आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने फाइल को सेव करते वक्त हम उसमें से पासवर्ड किस प्रकार से पुट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो हमें पासवर्ड डालना होगा। अगर हम पासवर्ड उसमें फीड नहीं कर पाएंगे या हमें गलत पासवर्ड फीड करेंगे तो हम उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो अपने फाइल को पासवर्ड की मदद से लॉक करके रखने के लिए फाइल मेनू में हमने बताया था कि सेव या सेव एज ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपने कंप्यूटर में अगर सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करने ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद सपोज करिए कि हम डी ड्राइव में इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, इसका नाम देना चाहते हैं हम DOCUMENT Document 1। सपोज करिए हम ऐसा नाम देना चाहते हैं, तो सेव बटन पे क्लिक करने के पहले आपको यहां आना है, इसी सेव के डायलॉग बॉक्स में टूल्स बटन पे क्लिक करना है और जनरल ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही आप जनरल ऑप्शन को चूज करते हैं आप पाते हैं कि पासवर्ड टू ओपन नामक का एक फील्ड है, यहां आपको पासवर्ड पुट करना है। उदाहरण के तौर पे हम यहां पे 3 डिजिट का एक पासवर्ड लगाए हैं, लेकिन आप यहां चाहें तो अपनी मर्जी से टेक्स्ट नंबर या सिंबल्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो पासवर्ड आप यहां पे डाल रहे हैं वो केस सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से कैपिटल में अगर आप पासवर्ड लगाए हैं तो आपको ओपन करते वक्त भी कैपिटल में ही पासवर्ड टाइप करना होगा। आप चाहें तो मिक्स करके भी पासवर्ड दे सकते हैं, जहां कुछ कैपिटल स्मॉल और नंबर्स सिंबल्स। हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप मिक्स्ड पासवर्ड ही लगाएं, जिससे बेनिफिट ये होगा कि उसे क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ देखिए, ये बात सच है कहीं ना कहीं कि दुनिया में ऐसा कोई पासवर्ड नहीं बना जिसे क्रैक ना किया जा सके, लेकिन अगर आप आसान पासवर्ड देते हैं तो उसे कम वक्त में क्रैक किया जा सकेगा, और अगर आप मुश्किल पासवर्ड देंगे तो वो क्रैक करना थोड़ा टफ होगा। तो चलिए फिलहाल हम पासवर्ड टू ओपन में यहाँ पे एक पासवर्ड पुट किए हैं। ये पुट करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, फिर यहाँ पे हमको सेम पासवर्ड डालना है। ये कंफर्मेशन है इस बात का कि हमें तो पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा ना कि हमने क्या पुट किया, तो क्या हमें वास्तविक में पता है कि हम क्या पासवर्ड डालना चाह रहे थे? अगर हमें पता है तो हम सेम पासवर्ड डालें। ओके किए और फाइनली हमने इसको सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस फाइल को क्लोज कर लें और इस Document 1 नाम के फाइल को हम ओपन करना चाहें तो हमसे ये पासवर्ड की डिमांड करता है, और अगर हम यहाँ पे कोई गलत पासवर्ड डालें तो ये फाइल ओपन नहीं होगा। जबकि हम इसको ओपन करते वक्त अगर यहाँ सही पासवर्ड डालेंगे तो हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं।